नमस्कार, मैं जॉय। आप देख रहे हैं असल न्यूज। असल न्यूज में आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी नए विवाद में घिर गई हैं। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर सांसद निधि में अनियमितता का आरोप लगाया है, साथ ही इस्तीफे की मांग की। दरअसल कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी ने अपनी सांसद निधि से बिना टेंडर के करीब 6 करोड़ रुपए गठे का एक एनजीओ को दिया। हालांकि मामले की जांच के बाद खुलासा हुआ कि टेंडर की बजाय स्मृति ईरानी ने सीधे फोन कर एनजीओ को काम का ठेका देने का आदेश दिया था। यानी कांग्रेस का आरोप लगा रही है उसमें कुछ तो सच्चाई है। ऐसे में मोदी की मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसती दिख रही हैं। यही वजह है कि स्मृति को लेकर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अदालत जाने का पार्टी का विकल्प खुला होने की बात भी कही है। सुरजेवाला ने कैग रिपोर्ट में स्मृति ईरानी के सांसद निधि में गड़बड़ी की बात सही साबित होने का दावा करते हुए कहा कि ये पद के दुरुपयोग का मामला है। गोहिल ने कहा, इस मामले में स्मृति ने एक गाँव को गोद लिया और इस गांव को मिलने वाले पैसे को खुद की जेब में ले लिए और गुजरात के आनंद जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है। That a massive fraud and bungling in MP lakh funds of Union Minister Shrimati Smriti Irani has been exposed. None less than the CAG report number 4 of 2018 has exposed and implicated payments worth rupees 5.93 or roughly 6 crores from MP lakh funds without any tender process, including fraudulent payment of 84,53,000. In these circumstances, the only option is for Shrimati Smriti Irani to be sacked forthwith and an FIR under Section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act and other provisions of the Indian Penal Code to be lodged against her. This is a clear-cut case of misuse of office. This is a clear-cut case of financial bungling. This is a clear-cut case of malfeasance and fraud vis-a-vis the public money, particularly the MP lakh funds allocated to her. कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी की करीबी होने की वजह से स्मृति का प्रभाव है, इसीलिए बिना टेंडर ही इतनी बड़ी रकम सांसद निधि से एक एनजीओ को जारी की गई, जबकि नियम के हिसाब से एक सांसद अपने पूरे कार्यकाल में केवल 50 लाख रुपए तक ही किसी एनजीओ को दे सकता है। इस शिकायत की जांच कराने वाले कलेक्टर का तबादला कर परेशान किया गया, मगर इससे पहले कलेक्टर ने जाँच कराई जिसमें पाया गया कि काम के कई दावे तो बिल्कुल फर्जी हैं। इसी जांच में कलेक्टर ने 4,08,43,000 रुपए की रिकवरी किए जाने की रिपोर्ट दी। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।